So now start with the short questions. So the first short question is write the four distinctive features of the animals. Animals ke pehla distinctive feature hai they found in all habitat free hote hain motile hote hai, sessile hote heterotrophs hote unki body sometimes shells, chitin scales aur fur se cover hoti. Question 3 hai, name the four criteria for the animal classification. Animals are the classified into the presence and absence of tissues, number of tissues, body symmetry and types of body cavity. क्वेश्चन फोर है क्लासिफाई द एनिमल्स ऑन द बेसिस एंड प्रेजेंस ऑफ एप्स ऑफ टिश्यू इसका आंसर होगा कि पहले हमने दो बेसिस पे क्लासिफाई किया पैराजोआ पैराजोआ हो वो होते हैं जिनके अंदर सेल्स तो होते हैं मल्टी सेलुलर लेकिन वो कोई टिश्यू फॉर्मेशन नहीं करते और इसमें सारे स्पन्ज आ जाते हैं देन यू मेटाजोआ होते हैं कि उनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिवेलप हो जाते हैं इंटू टिश्यूज़ और ये टिश्यूज़ जो होते हैं ये फिर ऑर्गन्स वगैरह क्रिएट कर देते हैं क्वेश्चन फाइव है डिफरेंशिएट बिटवीन द डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ड्रिप्लो में जो होता है वो दो जर्म लेयर्स होती हैं और उनके दरम्यान में जो होता है वो जले लाइक -like फ्लूड होता है जिसे हम मिजोकलिया कहते हैं जबकि ट्रिप्लो के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनकी तीन जर्म लेयर्स होती हैं एक्टोडर्म मिजोडर्म और एंडोडर्म और ये जो तीनों होती हैं ये अपने सर्टन ऑर्गन्स और सेल्स को जो है वो क्रिएट करी होती हैं क्वेश्चन सिक्स है टू वट लाइफ स्टाइल इज सिमेट्री इज एडाप्ट रेडियल के अंदर हर चीज़ जो होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो ये वो मोस्टली होते हैं जो कि या तो स्लो होंगे या किसी भी चीज़ के साथ अटैच होकर सिसाइल हो जाएंगे जैसे कोरल रीफ

और इसके अंदर एमेबॉइड सेल्स होते हैं क्वेश्चन नाइन है व्हाट आर द निमेटोसिस्ट निमेटोसिस्ट होते हैं ये फ्लूड फील्ड कैविटी होते हैं जो कि सराउंड होते हैं टेंटिकल से और समटाइम्स इस फ्लूड फील्ड कैविटी के अंदर जो होता है वो पॉइजनस वेनम होता है जो कि पैरालाइज कर सकता है प्रे को क्वेश्चन टेन है गिव थ्री फीचर ऑफ द प्लेटेसिस फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ नंबर वन ये है कि वो ज़्यादातर मूव नहीं करते एक ही जगह पर प्लेस करते हैं और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं दैट्स वाई एक सिंगल जो होता है वो जहाँ रिप्रोडक्शन कर सकता है और प्लस इनके अंदर एक सेक्चुल रिप्रोडक्शन भी होती है फिर इसके अंदर जो होता है वो आपने सारा कुछ जो है वो लिखते हैं क्वेश्चन एलेवन है गिव थ्री डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ द एक्सप्री ये कॉमनली राउंड वर्म्स होते हैं मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं या समाइम फ्री लिविंग भी होते हैं और ये जो होता है फाइव सेंटीमीटर से कम होते हैं और ये बायोलेटरल सिमेट्री जो है ये शो करते हैं और ये सिलेंड्रिकल जो होता है ये टेपर्ड होते हैं एट द बोथ एंड क्वेश्चन ट्वेल्व है हाउ लो टेक प्लेस इन एनालिट्स एनालिट्स के अंदर जो होता है वो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूशनल दोनों मसल्स होते हैं जिसकी वजह से ये वर्म लाइक मोशन करते हैं और क्रॉल कर सकते हैं प्लस इनके पास जो होता है काइटेनस सीटे भी हो प्रेजेंट होता है जो कि इन्हें एक पैरापोडिया की तरह जो होता है फीट की तरह एक्ट करते हैं क्वेश्चन थर्टीन है गिव सेलियंट फीचर्स ऑफ द फाइलम आर्थोपोडा आर्थोपोडा जो होता है ये जॉइंटेड फुटेड एनिमल्स होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं पैरासाइट्स होते हैं इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन वेल डिवेलप्ड होते हैं सेगमेंट्स होते हैं मॉडिफाइड होते हैं सिमेट्री बायो होती है एंड देन ये फ्लेक्सिबल होते हैं और इनकी बॉडी जो होती है प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रॉम द एक्सोस्केलेटन दैट इज मेड अप ऑफ द काइटिन क्वेश्चन फोर्टीन हार्मफुल रोल ऑफ इंसेक्ट हार्मफुल रोल ये आपके इन्वायरमेंट के अंदर जो होता है ये आपके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है ये ह्यूमंस या एनिमल्स के लिए जो होता है एक्टिव पैरासाइट होता है और समटाइम ये होता है पॉइसनस भी होते हैं एंड देस के अंदर डिजीज स्प्रेड करता है बाई एक्टिंग एज अ वैक्टर क्वेश्चन फिफ्टीन है लिस्टर बिटवीन इकैनोडम एंड कॉर्डेट्स इकैनोडम जो होते हैं ये कॉर्डेट्स क्लोज जो है वो सिम्बल रिजेंबलेंस शो करते हैं नंबर वन दे हैव द ड्यूटोरियस टर्म्स होते हैं इनके अर्ली डिवेलपमेंट के अंदर जो होता है इनके काफ़ी करेक्टर्स कोऑर्डेट्स से जो होते हैं वो रिजेंबर कर रहे होते हैं हम इन्हें कॉर्डेट्स के साथ रखते हैं क्वेश्चन सिक्सटीन है वट डज द टर्म एम्फीबियन मीन्स वाई एम्फीबियंस आर नॉट कंसिडर्ड अ वेरी सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ फोर्टीप्रेट एम्फीबियन मीन्स द वन दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड ऑन वाटर और फिर इसके अंदर ये सक्सेसफुल इसलिए नहीं थे क्योंकि ये सिर्फ इन्हें दे रिकॉर्ड वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन एंड फॉर द सर्वाइवल इन द हॉट इन्वायरमेंट और ये जो है हर जगह क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं होता है इसलिए ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं होते क्वेश्चन सेवनटीन है डिस्क्राइब द वेज वेस्ट एम्फीबियंस आर एडेप्टेड एम्फीबियंस जो होते हैं ये एक्टोथर्म होते हैं तो दैट्स वाई इनकी स्किन जो होती है वो कटेनियस रिल्फ्रेशन भी कर रहे होते हैं जब ये पानी के अंदर जाते हैं और ये जो होते हैं ये मोस्टली जो होते हैं नॉक्टर्नल होते हैं और ये अपनी माउथ के अंदर माउथ को क्लोज करके भी जो होता है वो ब्रीदिंग कर सकते हैं और फिर इनकी जो बोन्स होते हैं वो रिडक्शन होते हैं उसमें

और फोर्थली इनका हार्ट जो था वो इनकम्प्लीट फोर्थ चैम्पर या कुछ केसेस में कम्प्लीट फोर्थ चैम्पर था क्वेश्चन नाइनटीन है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्टोथर्मिक एनिमल एक्टो मीनस के वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका टेम्परेचर वेरी करता रहता है इसके अंदर इन्फीवन रेप्टाइल्स आ जाते हैं एंडोथर्म का मतलब ये होता है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और वो उनके पास सर्टेन मैकेनिज्म होते हैं जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन कर सके क्वेश्चन ट्वेंटी है नेम टू फाइला ऑफ़ द एनिमल्स दैट आर रेडिकल सिमेट्री एंड दैट आर टू आर द दायोलिट्रल सिमेट्रिकल रेडियल फाइलम नीडेरिया में है एंड फायलम एकाइनोडरमाटा में है बाइलेट्रल जो है फाइलम फ्लेट थीसिस में स्केलेम थी होती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है लिस्ट ऑफ वर्टिब्रेट क्लास विच वी कैन फाइंड वन ऑफ दिस स्कैल फॉलोविंग स्कैलेटन ऑफ कार्टेलिट जो है ये कॉन्डोरेक्थिस में होता है टू चैम्बर हार्ट जो है ये क्लास और स्टिक्थिस जो कि फिशेज होती हैं एमनिओटिक एक्स जो थे ये आपके जो है ये आपके रेप्टीलियन में होते प्रजेंट होते हैं फोर्थ चैम्बर हार्ट जो है ये ईवस और मेमेलिया में, में प्रेजेंट होता है लंग्स सप्लीमेंट्री बाय एयर सैक्स ये बर्ड्स का कॉमन करेक्टर है जो एव्स हैं प्लेसेंटा जो है ये क्लास मेमल्स होते है। 22 है, symmetry, हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है आइडेंटिफाई द फाइलम दैट हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स रेडियोसोमेट्री फायलम निडेरियार्मेटा ए सिलोमेट्स ये आपके फाइलम प्लेटेलम हैं सूडोसिलोमेट ये एसक्रीम या नीमाटोड्स हैं अल्टरनेट सेक्चुअल एंड ए सेक्चुअल स्टडीज हैं ये फाइलम कॉर्डेट्स में होते हैं एंड दैन नीडोसाइट्स ये फाइलम नीडेरिया में होते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है गिव द मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया एंड यूथेरिया प्रोटोथेरिया का मतलब होता है एगलाइ मेमल मैटाथिरिया पाउच मेमल यूथेरिया प्लेसेंटल मेमल इनकी जो है ये प्रोटोथीरिया जो है एडाप्टड है एक्वाटिक लाइफ स्टाइल के लिए ये बाकाया दो जो हैं वो लैंड के ऊपर होते हैं प्लेसेंटा इन सब में एबसेंट होता है सिर्फ यूथेरिया में होता है मार्सुपियल मेमल्स जो होते हैं वो मैटाथीरिया हैं और जो टोकवा होता है वो सिर्फ प्रोटोथेरिया में प्रेजेंट होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है हाउ डू मेमल्स डिफर फ्रॉम द बर्ड्स एंड वट अडेप्टशन डू द शेयर तो फिर मेमल्स और बर्ड के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि मेमल्स के पास जो है फीदर्स नहीं होते जबकि बर्ड्स के पास फीदर्स होते हैं मेमल्स के पास जो होते टीत नहीं होते बर्ड्स के पास टीत होते हैं मेमल्स एग ले नहीं करते और मेमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी कवर होते फ्रॉम द फर जबकि जो बर्ड्स होते हैं उनके वो एग भी ले करते हैं और वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम द क्लास ईव्स और शेयर जो है वो दोनों वार्म ब्लडिड हैं फोर चैंबर हार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम हाईली एफिशिएंट है और दोनों वर्टिब्रेट्स हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है डिफाइन डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग डेफिनेशनस पहली डेफिनेशन है एनीमेल्स एनिमल्स आर द वन दैट आर द मल्टी सेलोलर यू केक्ट्रोटॉप्स जो कि अपनी फूड लेते हैं बाई इंजेक्शन फिर पैराजोआ पैराजोआ आर द वन दैट आर द मल्टी सेलूर बट देर मल्टी सेल्स आर नॉट द टिश्यूज फिर यू मैटर्स वो होते हैं जिनके अंदर टिश्यूज़ एंड और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है डिपलो एनिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर जो होता है टू जर्म लेयर्स होते हैं उनके बीच में जेल लाइफ फ्लूड होता है जिसे हम मिजॉक्रिया कहते हैं दैन ट्रिप्लो एनिमल्स ये वो होते हैं जिनके अंदर तीन जर्म लेयर्स है ये क्रिएट होते हैं रेडियल रेडियोमीट्री वो होते हैं जिनके एनिमल्स जो होते हैं टॉप एंड बॉटम आप उनकी हेड और टेल को जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते और उनके अंदर जो वो ऑर्गन होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बाइलेट्रल हेड और टेल होते हैं और उनके जो होते हैं वो मिरर इमेज होते हैं सिलोम वो होता है जो कि फ्लूड फील स्पेस होते हैं जो कि आउटर बॉडी वॉल और मीजोडर्म जो होता है वो डिवेल्प कर रहा होता है ब्लास्टोला जो होता है वो एम्ब्रियो की अर्ली डिवेलप फॉर्म होती है प्रोटोस्टोम्स वो होते हैं जिनके अंदर जो होता है वो माउथ क्रिएट होता है फ्रॉम दी ब्लास्टोपोर यूटीरोस्टोम वो होता है जिनके अंदर ब्लास्टोपोर से जो होता है वो एन डिवेलप होता है निमेटोसिस वो आपकी कॉल्ड होते हैं फ्लूड फील्ड क्वल्ड टेंटिकल्स होते हैं जिनके अंदर जो होता है वो स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं मिजॉक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों के दरमियान प्रेजेंट होते हैं जोइड्स जो होते हैं वो एक सेचअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो होता है वो कॉलोनीज या फिर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं रेड्यूला जो होता है ये आपका टंग लाइक -like स्ट्रक्चर होता है जो कि मुलस के, के फाइलम में प्रेजेंट होता है ट्रोकोफोल्ड लावा जो होता है ये आपका जो है मेरीन एनेलिट्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है और ये आपके जो है ये फ्री ट्रांसपेरेंट और फ्री लिविंग लावा होता है पैरापोडिया जो हो होता है ये रिप्रेजेंट होता है एनलिट्स के अंदर जो होता है ये जो आउट ग्रोथ होते हैं जो कि कीटे के अंदर जो होता है वो रेफर करता है और ये मूवमेंट में हेल्प करता है हिमोसिलमोसिल जो होता है फाइलम आर्थोपोड में जो होता है वो जो सिलोम होता है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू द कैविटी दैट इज़ नॉन एज हीमोसल मेटामॉर्फोसिस ये होता है कि जो लावा एडल्ट बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी वो सिस्टम होता है जिसके अंदर वाटर जो होता है वो पूरी ट्यूब फीट्स में डिवाइडेड होता है एंड देन इट हेल्प दिनिमल्स फ्राम द लोको मोशन प्रोटोकॉर्डेट वो कॉर्डेट जो कि सबसे पहले थे और इन्हें हम एक भी कहते हैं नोटोकॉर्ड यह वो आपकी न्यूरल ट्यूब होती है जो कि वर्टिब्रा से पहले थी वर्टिब्रा की प्रीमेटिव फॉर्म थी और यह आपकी जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो था उनको स्केलेटन के लिए सपोर्ट और कंप्रेशन प्रोवाइड करी थी स्विम ब्लैडर जो होता है ये आपकी आउट पॉकेट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की और इसके अंदर समटाइम एयर या ऑयल होता है जो कि फिशिज को हेल्प करता है टू मेनटेन अर्टन डेप्थ विदाउट वेस्टिंग दियर एनर्जी एमनीस ये वो सैक्स होते हैं जो कि एमरियो को प्रोटेक्ट करता है फ्राम दी फ्राम ड्राइंग आउट प्लेसंटा ये वो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसके अंदर जो होता है वो फीचर्स की डिवेलपमेंट होती है इन टू द यंग वन्स अब हम बात कर लेते हैं डिफ्रेंसिस की सो द फर्स्ट डिफरेंस इज द डिफ्रेंस बिटवीन डिप्लोप प्लास्टिक एंड ट्रिप्लो प्लास्टिक एनिमल्स तो डिप्ल प्लास्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर रेडियो सिमिट्री होती है मीजोडर्म होते हैं और बॉडी कैविटी नहीं होती जबकि ट्रिपल प्लास्टिक में बायोट्रल सिमेट्री होती है फिर रेडियल सिमेट्री एंड बायोलेट्रल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री वो होती है जिसके अंदर जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और हर पार्ट जो होता है वो अपना मिरर इमेज होता है जबकि बायो वो, है होता, है। वो है होता।, होता है जिनके अंदर लेफ्ट और राइट पार्ट जो होता है वो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं ए सिलोमेट वो होता है जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं होता सीडो सिलोमेट होता है जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होता है लेकिन इट इज़ नॉट कम्प्लीटली लाइन बाय द मिजेंट कायमा पिना पिनाकोडम एंड क्वानोडम जो होते हैं पिनाकोडम आउटर मोस्ट लेयर होते स्पंजेस की और जो कॉर्नोड्रम्स होते फ्लेजुलेट सेल्स होते हैं जो कि स्पंजिस में इनरली प्रेजेंट होते हैं स्पंजसिल जो होते हैं वो आपकी बेसिकली कैविटी होते हैं जो कि एनस और माउथ दोनों का फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है जबकि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो, जो होती है, है और इसके अंदर जो होता है वो माउथ और एनस दोनों के फंक्शन हो रहे होते हैं हाइड्रॉइड्स और मिडोसा हाइड्रॉइड्स और मिडोसा जो होता है ये दोनों जो है, की जो है वो फॉर्म ऑफ कॉलोनीज होती है इनको हम जोइड्स भी कहते हैं और फिर हाइड्स जो है, होते हैं वो पॉलिप्स होते हैं जो कि सिसाइल होते हैं जबकि मिडोसा जो, जो है, होते हैं ये रिप्रोडक्टिव जोइड्स होते हैं एंडोथाम वो होते हैं जो कि अपने जो है वो टेम्परेचर को खुद से मेंटेन कर सकें और एक्टोथर्म वो होते हैं जिनके एनवायरनमेंट के जो है वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते